नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। मैनपुर न्यूज में आपका स्वागत है। टोडरपुर क्षेत्र के ग्राम शिवसिंहपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिनों तक चले भागवत कथा में वेद, पुराण, गीता और महापुराणों की व्याख्या सुनकर सभी भक्तगण आनंदित हुए। देखिए हमारे संवाददाता अर्पित दीक्षित की रिपोर्ट। नबीगंज के टोडरपुर क्षेत्र के ग्राम शिवसिंहपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् कथा भागवत सम्पन्न हुई। 7 दिनों तक चले इस कथा भागवत में 4 वेद पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराणों की व्याख्या प्रभुपाद राजेश्वर गिरी मुखारबिंदु से श्रवण कर उपस्थित भक्तगण गदगद हो गए। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, आशीष प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, अभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। 7 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में 7वें दिन व अंतिम दिन श्री गिरिजी ने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि लीला में श्री रासलीला, मथुरा गमन, दुष्ट कंस राजा के अत्याचार से मुक्ति के लिए कंस वध आदि का वर्णन किया, जिससे भक्त भाव विभोर हो उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आगे यमुना मैया है और पीछे जाऊं तो शेर है। अब मुझे किसी विधि ये बालक बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उनके मन में ये विचार आया कि चलो यमुना मैया को ही पार करेंगे यदि हम लोग।